अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और अभी 8:45 बजे हैं सुबह के, सब घर के अफराद सोए हुए हैं और सिर्फ मेरी ही नींद और मेरे हस्बैंड की नींद उड़ी हुई है। और ये टाइम देखें, आप देखते हैं फ्रिज में क्या है क्या नहीं। मुझे लगी है भूख। चलो जी, शुक्र है एक अंडा मिल गया। और यहाँ पर मैंने जो है आमलेट बना लिया है और आटा भी निकाल लिया है मैंने। और बेबी उठ के आ गई है, अभी आटा गूंदेगी। चाय यहाँ रख दी है। और इसको भी मैंने धो के रख दिया, चाय पर ढक्कन दे दिया। और चाय थोड़ी सी पक जाए तो फिर मैं पराठा बनाना शुरू करूं, जब तक बेबी आटा गूंदे। और मैं तो, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है, इसलिए जल्दी उठ के आई। और बाकी पराठे बेबी बनाएगी, बस ये चाय पक जाए। और जी, यहाँ पर पराठे मेरे और मेरे हस्बैंड के बन गए हैं। और यहाँ पर मैं अंडा बना रही हूँ। जी और अंडा जो है हम ऐसे ही बनाते हैं कीमे की तरह, ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक भी जाए, क्योंकि इसमें प्याज होती है तो हमेशा वो कच्ची रह जाती है। अच्छी। और यहाँ पर चाय भी बन गई है। और हमारे पराठे देखिए हम किस तरह से बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। चले जी, ये फैन की भी आवाज़ आ रही है, तो यहाँ किचन से निकलते हैं, फिर जो भी होगा हम शेयर करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये अंडा बन गया, ये कीमा बन गया, इस तरह से हम बनाते हैं। और जी, ये पराठा देखें, ये देसी घी में है जो मैंने बनाया था। देसी घी है तो बाजी का, लेकिन मैं थोड़ा सा लिया था और सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दिए। वहाँ से मौसी जो है सही तरह से झाड़ू नहीं लगाती, पर्दे है तो इस वजह से वहाँ जाती नहीं है, इसलिए सोफे को मैंने यहाँ कर दिया। और ये है पराठे, कड़क कड़क पराठे। चलें जी, इसको नाश्ता करना है, नाश्ता करें और फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद। और जी, सैटरडे और संडे को जो है पानी हमारे यहाँ लेट आता है, तो तकरीबन 10 बजने वाले हैं या बज गए हैं। तो हस्बैंड देखें ये पानी दे रहे हैं, जो अंदर भी पौधे हैं उसको भी और जो बाहर लाने हैं उसको भी। अब इस तरह से तुम पौधों को पानी दोगे तो ये तो टूट जाएंगे। भाई फातिमा कह रही है, भाई फातिमा चलो भैया, फातिमा बाबा को कहो कि ऐसे नहीं करो, ऐसे पानी नहीं दो, उतारे किस पर आपको कुंडा वहां बोले कुंडा मार किस पानी नहीं दो पानी। फातिमा मजा है ना, मजा नहीं है? सारा फर्श गीला कर दिया है। यहाँ पर जो है मशीन रखी हुई थी, वॉशिंग मशीन, तो वो उसको हमने वहाँ शेड में कर दिया, क्योंकि यहाँ 2 सालों से बारिश में और धूप में ख़राब हो रही थी। ये अभी हमें 2 साल के बाद अकल आई तो वहाँ रख दिया। 2 साल के बाद इसलिए आई कि अब गाड़ी नहीं है ना उसमें, इसलिए। और हमारे घर के पपीते देखे माशाल्लाह से ये बड़े हो गए हैं। लग रहा है इस साल हमारी फसल पपीतों की अच्छी होगी, जानी ये पता नहीं क्यों बेचारा सूख गया है, इसको बीमारी लगी है।
उड़ी बड़े नहीं, हमारी फसल अच्छी होगी, पपी दोगी। और इसको देखें, ये बाहर से मत नहीं सॉरी उससे ऊपर से उठ के यहाँ आके सो गए और टीवी चल रही है। देखें, उठो बाहर देखो टीवी चले। अरिश तो सहन, अरिश है सलाम कर, तू मिलो कोनी को तबीयत खराब भी है जी। मैं कह रही तुम मुझसे मिले नहीं हो, कह रहा फिर तबीयत खराब है गले में सूरा। गले में? अच्छा तो मुझे गले मिलने के लिए तुम्हें गले में तकलीफ है? अच्छा वो कह रही है यहाँ उठो मैं सो। ये भी बड़ी उस्ताद है दोनों की। यहाँ पर पक रहा है दोपहर का खाना और आज जो है भिंडी और आलू जो है ये पक रहे हैं मक्खन में, क्योंकि मक्खन और देसी घी हमारे पास बहुत सारा जमा हो गया है, तो मैंने कहा चलें अब इनको पहले यूज़ करते हैं। ये मक्खन में है, अब देखते हैं टेस्ट कैसा आता है मक्खन में इनका। यहाँ पर तवा मैंने रोटी कर ले चढ़ा दिया है और हस्बैंड आएंगे नमाज़ पढ़ के तो मैं रोटी पकाऊंगी। सॉरी सिंधी अल्फाज हैं तो ऐसे मुंह से निकल जाते हैं। और हसब मामूल ये भी आ गई, यहीं सोई हुई थी, अब उठी है ये। और जी अभी जा रही हूँ मैं बड़ी सिस्टर के घर, थोड़ा सा काम है मुझे तो इसलिए। बेबी इधर बंद कर, ठीक है जी। अगर मुझे वहाँ पर मौका मिला तो मैं आप लोगों से जो है शेयर करूँगी बातें। बच्चे अभी सो जाएंगे तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है ताला लगा रही हूँ ताकि बच्चों को कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है जी। और हम तो घर से चाय पीकर निकले थे लेकिन बाजी ने फिर दोबारा जो है चाय पिलाई और केक भी जो है रखा था खाने के लिए। बाजी ने दरअसल जो है ऊपर मकान बनवा रही है तो कहा था कि आओ देखने के लिए, इसलिए हम वहाँ गए थे। ये है रात का खाना। रात के खाने में है चिकन, देसी सालन, गड़। हाँ छोकरी कैसे करी? मम्मी थी सी दुआ करें कि फातिमा को बोलना जल्दी आ जाए। फातिमा बोलो, बात करो। अरे हस्बैंड जो है चिकन नहीं खाता और ये सिर्फ आलू निकाल के खाते हैं बच्चों की तरह। बूढ़े लोग तो वैसे भी वो बच्चे बन जाते हैं ना। अब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको होती है सांस की तकलीफ, थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है या गर्मी हो जाती है। तो अभी जो है बाहर वो कह रहा है कि मैंने कोई बेकरी की चीज़ खाई है उससे वो आए। तो चलो जी, अल्लाह खैर करेगा, खाना खाते हैं।